इंसानों के लिए, बट ये जानवर जो है ना आपको दिख रहा है या मालूम नहीं है, देखो इधर एक है, ये व्हाइट में दिखेगा नहीं आपको, ये देखो भाई साहब और यहाँ पे इसकी माँ है। तो ये रात मतलब अपने लिए रात होती है, बट इनके लिए रात नहीं होती, इन लोग पूरा दिन भर सोएंगे और रात भर हम लोग को सोने नहीं देंगे, क्योंकि कैसा है ना गाइस, ये जो है ना हम लोग के लिए एक फैमिली मेंबर टाइप है। मैंने मेरे मॉम को इंट्रोड्यूस किया है मेरे व्लॉग में, तो मैं सोचा कि हमारे एक फैमिली का ही पार्ट है तो क्यों ना इनको भी इंट्रोड्यूस करें। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठे कॉन्टेंट्स नहीं मिल रहे हमारे जैसे क्रिएटर की लग रही है, तो बाहर घूम नहीं सकते, वापस लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, वैसे घूम सकते बट और दिन भर दिन केसेस भी बढ़ रहे, तो ये बेटर है कि आप सेफ रहे घर पे। अरे भाई साहब ये गिरेगा, ओ साहेब ये ना भाई तानाजी मूवी इसने बहुत देखा है, सीधा इधर से खड़ा होकर टक कर उड़ी मारने को देखता है। तो मैं कुछ भी बोलता हूँ अभी, मतलब दिन भर दिन इसके मैं नाम चेंज करता हूँ। आज मैं इसको फिमसुक वांगडू बुला रहा था, आई डोंट नो क्यों मैं ऐसा बुलाता हूँ नाम, अभी तक इसका नाम हम लोगों ने रखा नहीं क्योंकि सोचा कि इंट्रोड्यूस नाम नहीं किया है। तो मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था, बहुत लोगों ने मतलब सजेस्ट किया कि भाई ये नाम रख, एंड आई वॉज लाइक यार क्या रखो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत चंचल है, इसको इधर रखेगी ना 2 मिनट में उधर रहेगा, और वो जो आपको कुशन्स दिख रहे हैं मैंने सोफा के लाए क्योंकि वो बेड पे ही सोता है मेरे साथ, तो गिर जाता है मेरे को, मतलब मैं एक बार सोया था और सुबह देख रहा, अरे मेरा बाजू भी नहीं है, सुबह देखा तो नीचे उधर सोया था। सो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, मतलब यार ऑब्वियसली कंटेंट ये मेरे लिए भी एक चैनल के मेमोरीज बन जाएगी और इट्स लाइक ग्रेट थिंग। तो अभी मैं इसके माँ के साथ इंटरव्यू लेता हूँ। तो माँ जी, ओ माँ जी, आपके साथ अभी बात करने हम लोग आए हैं माँ जी। तो ये है हमारी हिमावरी है ना, तानाजी को भी ले लेते हैं, तानाजी। सो ये है हमारे तानाजी और हिमावरी। सो हिमावरी आपका इंटरव्यू ले रहा जा रहे हम, आपको क्या बोलना हमारे व्यूवर्स के बारे में? बट ना बैठना बैठना जरा बैठना, ये नाम बच्चा आएगा तो भागती है। तो ये भाई साहब तानाजी तो भाई फुल इंटरेस्टिंग है। जब इसका बॉर्न हुआ था, ये एक्चुअली में व्लॉग एंड कर रहा था, अगर आपने फ्लेमिंगोस वाला व्लॉग नहीं देखा रहा तो एंड में मेरी मॉम आके मेरे को बोलती है कि अरे हिमावरी बच्चा दे रही है, इसने लिटरली बैग के अंदर बच्चा दिया था। आप ये देखो गाइस, ये लॉकडाउन की वजह से मेरे बाल, आप यकीन नहीं करोगे, लाइफ में मैंने कभी इतने बाल नहीं बढ़े रहे। ये देखो लिटरली आई एम लाइक एक पुराने टाइप का एक हीरो रहता है ना, वैसी फीलिंग आ रही है, बट ठीक है। सो कोई बार बार शॉप भी ओपन नहीं है, तो मैं वो मेरा बैंड है वो यूज करता था, बट उससे वो कान पे बाल आते, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहता हूँ, बाहर जाता हूँ यही पहनता हूँ क्योंकि ये बेटर पड़ता है। मतलब ऐसा पहनो, कान पे मेरे को बाल आते ना वो इरिटेट होता है। सो एम आई लुकिंग लाइक अ राइडर और समथिंग लाइक दैट? सो इग्नोर करो ऐसा, थोड़ी हुलिया के लिए मैं राइडिंग पे पहनता हूँ, बट अभी घर पे भी पहन रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन इफेक्ट। मैं मेरे बारे में क्यों बता रहा हूँ, आज मेरा बारी नहीं है, आज हमारे बिल्ली का बारी है, उसके बारे में सब होने वाला है। तो मैं ज्यादा बकबक कर रहा हूँ, बट अभी टाइम हो चुका है, तो अभी 2:30 हो गए ऑलमोस्ट, और लोग सोने तो मेरे को देते नहीं,
खेलते रहते इन लोग। अभी खेलते भी कैसे आपको सब पता चलेगा कि कैसे खेलते, कैसे मेरे को तंग करते। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली इसके बचपन हम लोग ने लिया, इसके बचपन में बहुत भार आता था तो इसके लिए हम लोग ने इमा क्या है ये वीडियो में अभी तंग करेगी तो बचपन में भार ना जाए इसके लिए ये हम लोग ने इसको ऐसा बॉक्स बनाया था। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा कुछ बॉक्स हम लोग ने बनाया था। इमा चल अंदर, चल गो इनसाइड, चलो चल चल, तानाजी भी आएगा अभी, तानाजी देखो कैसा, तानाजी कड़ा देखो कैसा चढ़ेगा। ये इसके लिए छोटा सा तानाजी कड़ा है, चलो मैं कुछ नहीं करूंगा आप ही देख लो, चलो चढ़ो 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 चढ़ो, कम ऑन। मेरे को पुश करने का मन कर रहा है थोड़ा सा, देखो देखो कैसा चढ़ रहा है, देख रहे हो देखा। तो आप यकीन नहीं करोगे गाइस, ये जो हमारा छोटा तानिया है, प्लीज डोंट कोट मी ऑन द नेम, मेरे को मालूम है वो नाम क्या है एंड ऑल। सो दो दिन पहले इसको चढ़ने को नहीं जम रहा था, पहले बार गिर रहा था बट इसने गिव अप नहीं किया, वो अभी खुद से अंदर चढ़ता है, खुद से अंदर से बाहर आता है। और इसकी मम्मी और ये देखो मस्त अंदर बैठे है, तो एक्चुअली ये बच्चा था इसके लिए हम लोग ने ये इसको अंदर किया था, बट अभी ये बच्चा नहीं रहा है, अंदर बाहर खुद ही करता है। बचपन में मतलब छोटा था तो बाहर जाए पैर में आए इसके लिए, उसके लिए छोटा सा मतलब क्या क्यूट सा हम लोग ने, मतलब मैंने ये नहीं बनाया, मेरे डैड ने वो ऊपर का फाड़ा है एंड ऑल एवरीथिंग। पूरा टाइम ये अपने बेटे को चाटते ही रहती है, मतलब मेरे बाद वो थोड़ा दूध पीता है, फिर वो सोता है, ये जाती है घूमने, थोड़ा घूम के आती है, बार बार घूमेगी मस्त। बहुत लोग बोल रहे थे कि बच्चा एक ही कैसा दिया, देखो गाइस मेरे को भी मालूम नहीं ये क्या सीन है, जितने भी कैट्स थे ऑलमोस्ट, अरे अभी वो उधर बेटा, चलो अभी इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तानिया तेरी मम्मी ना संकी है, सो जा, बाय द वे इसका कुशन है, इसका पिलो, जा जा जा, तेरी मम्मी थोड़ी संकी हो गई है, जा रही तू इकड़े जा, अरे तू जा रही। और इसके आईज अगर आप देखोगे गाइज, मेरे को मालूम नहीं कैमरा जस्टिस करेगा बट इसके आईज आर ब्लू, ये मैं इसको तोते की तरह पकड़ता हूँ, सांप रहते ना ये देखो, हाँ इसके आईज आर ब्लू, आग दिखा डोले दाखो 24/7 आप अगर देखोगे, ये 20 घंटा तो खुद को चाटती रहती है, सोती तो बहुत कम है। मारा भेंडी, मारा क्यों, हाँ क्या हुआ, बुराई नहीं करूँ तेरी, ठीक है बुराई नहीं, देखा बुराई करेगा तो गुस्सा आता है उसको, ठीक है बुराई नहीं कर रहा हूँ इमा, नहीं करूँ ना, सॉरी सॉरी, मार, शी इज लिटरली इन लव विथ माय सिस्टर। जब भी मेरे एक बहन का कॉल आता है ना, आप ये वीडियो देखो, देखा मतलब जब भी कॉल आता है ना उसका आवाज भी सुनेंगी ना, शी गेट्स मैड है ना इमा। आप मेरे को पूछोगे ना, एक पेट होना जरूरी है, मतलब आप अगर बाहर से कभी आते हो, इफ यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट और समथिंग लाइक दैट, आपको थोड़ा मतलब लो फील हो रहा रहेगा ना, आप जब भी मतलब आपके एंट्री पे आपके डोर पे पेट्स खड़े होते ना, आपका जितना भी स्ट्रेस, आपको जितना भी मतलब थकावट रहती है ना, वो चले जाते। मेरे कैटेगरी में ऐसा होता है, मैं मेरे ओपिनियन बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पेट लवर जिनके घर पे पेट्स हो गए, आपके भी साथ भी मैं भी ऐसा होता रहेगा। सो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हो गया है, लो फील होता हूँ तो जस्ट मैं उनके साथ खेलता हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपके पास अगर पेट हो तो। 2 hours later मैं कभी बेड शेयर नहीं करता हूँ, बट अगर आपके पास कैट हो और ऐसा सोना पड़ता है आपको, मतलब लिटरली आप बोलते रहिए कि आपके कैट्स लोग जो है आपके पैर के नीचे सोते रहेंगे, पैर के नीचे सोते हैं, बट बाद में इन लोग ऐसा उनको वार्मनेस चाहिए रहता है, तो लिटरली ऐसे सोते। फिर ये देखो ये दिख रहा है क्या मालूम नहीं, आई डोंट नो, बट पास आ जाओ, आपको दिक्कत कैसा सोया है वो, ये देखो
ओके सो अभी कैसा रहता है, अभी अपने को उठने के बाद चाहिए रहता है कुछ खाना, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जैसा अभी बिल्ली लोग का, तो वैसा कुछ अपने जैसा रहता नहीं कि ब्रेकफास्ट में खाएंगे ब्रेड बटर अंडा एंड ऑल, फिर डिनर में खाएंगे अलग ग्रेवी चिकन की, लंच में अलग कुछ होगा अपना, ऐसा रहता है। बट इन लोग के कैटेगरी में ऐसा नहीं रहता, इन लोग का क्या एक ही खाना रहता है। अभी मैं बताता हूँ मेरे जो पेट है हिमावरी उसका खाने का क्या है, मतलब कितना खर्चा आता है मंथली। अभी बहुत लोग का एक सवाल रहता है कि पर्शियन कैट जो भी पेट्स रहेगा उनका खाने का कैसा सीन रहता है, क्या देना पड़ता है। अभी पर्शियन कैट्स का मैं अभी आपको बताता हूँ कि खाने का चीज़ एवरीथिंग कैसा रहता है, कितना खर्चा होता है मंथली हमारा। सो उस हिसाब से मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसा रहता है पेट्स लोग का। इसका अभी तक के लिए खाना एक ही है, मक्खन दूध और कुछ नहीं, जस्ट अभी के लिए तो वही खा रहा है वो, और कुछ नहीं खा रहा है। इसका खाना तो अभी के लिए फिक्स है। चलो अभी इसके बात करते हैं खाने के बारे में। ये हमारे हिमावरी का फूड है, मतलब ये अडल्ट है, म्याओ का है। सो लॉकडाउन चल रहा है इसके लिए हम लोगों ने स्टॉक करके रखा है। सो इसमें सब में ऐसा वाला पाउच है और ये किटन्स के लिए है, मतलब छोटे कैट्स जीते वैसे के लिए। एंड हिमावरी देख रही है खाना चाहिए देखो, और ये है अडल्ट फूड। सो या तो ये हम लोग का कुछ हिमावरी का खाना। हिमा कसा फुरू हिमा खाती है बट ये जो ग्रेवी वाला जो फूड है हम लोग हर टाइम यूज करते हैं। मंथली खर्चा जो है जाता है अराउंड 3,500 to 3,000 तक जाता है आराम से, मतलब इजिली, क्योंकि उसको हम लोग वीक में यमी ट्रीट्स करके आता है वो भी देते हैं हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान लोग रोज दाल चावल तो नहीं खाते, तो उन लोग को भी बोर होता है रोज ये खा के, तो अलग अलग भी देना पड़ता है, केयर बहुत करना पड़ता है। अगर आप सोचते रहेंगे कि ले लिया रोज खाना दिया ऐसा नहीं रहता, उसका केयर भी प्रॉपर लेना पड़ता है एवरीथिंग एंड ऑल। पेट्स लोग का भी एक प्रॉब्लम रहता है, अगर आपके घर में पेट्स हो तो आपको बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मतलब बहुत, किसी ना किसी एक को तो घर पे रहना पड़ता है तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। हर 3-3 महीने में उसका वैक्सीनेशन भी करना पड़ता है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग ने नहीं किया है। लास्ट उसका वैक्सीनेशन फरवरी में हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने नहीं किया। आई होप आपको ये दिख रहा है। सो वांगडू इस पे बैठो बैठो बैठो, अरे ठीक से बैठ, पीछे के पैर भी डाल। तो अभी ये प्रॉपर बैठा है और वजन इसका है 321 grams। सो ऑलमोस्ट अभी कल हम लोगों ने जब चेक किया था इट वॉज लाइक 315 या 312 था, बट 8 ग्राम इसका फटक से कैसा बढ़ गया आई डोंट नो। 300 ग्राम का ये हो गया, आप समझ सकते हो, मतलब दिन में हम लोग चेक करते हैं 5 ग्राम्स तो बढ़ रहा है आई कैन से। सो ये अर गिर गया 300 ग्राम्स। चलो अभी इसको जिम के लिए यूज़ करूँगा मैं। इसका पॉज देखो, पॉज कितने मस्त है पॉज। हाँ सो इसकी माँ देखो, इसके माँ लुक देख रहे हो, इसके माँ का मतलब देखो, इसकी माँ का लुक देखो, की माँ का लुक देखो आप। बस मैं मस्ती में करता हूँ, पेटा वाले अगर देखेंगे तो मेरी वाट लगाएंगे। पेटा वाले देखो, इसको फेंकता मतलब उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ कि थोड़े हाइट से भी जंप मारने सीखे, कुछ करने सीखे तो कैसा चलेगा ना। 300 ग्राम के पास हुई तू, मेरे बाल से भी खेलता है, मतलब लंबे बाल होने का फायदा बहुत है। देखो देखो, अरे लंबे बाल होने के फायदे देखो। जैसे मैं बोला ना, ये इसका पूरा टाइम काम रहता है साफ सफाई साफ सफाई। मैं तो देखो 2 दिन से नहाया नहीं हूँ और ये लिटरली हर टाइम इनकी साफ सफाई चालू रहती है, मतलब आप सोचो कितना हाइजीन रहते हैं ये लोग। तो अभी 3 बज चुके हैं दोपहर के, तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो चुके हैं। 12 आवर्स में आपने देखा कि ये बस खा रहे पी रहे। मैं भी वही कर रहा हूँ जैसे मतलब हम लोग लॉकडाउन में करते, इन लोग का लॉकडाउन 365 डेज रहता है, वही खाओ पियो सो जाओ। सो यस गाइस, आई होप आपको इनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो पसंद आया रहेगा। मेरे को भी मालूम नहीं कैसा हो गया, बट मैंने सोचा यार बनाना तो है। आई होप आपको ये हमारे दो अनमोल रतन के ऊपर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। हम लोग ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे को भी मालूम है कि कैसा वीडियो बना है, बट एंड में जाते जाते आप इनकी एक मैंने जितने अच्छे अच्छे क्लिप्स निकाले हैं वो आप देखते जाओ।
इंसानों से मत करो, इंसान वैसे भी धोखेबाज है। पीस सीन मैन स्टूडियो।